हेलो यूट्यूबर, वेलकम टू टेक्निकल अलाइव यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जुनेद अहमद और आप देख रहे हैं टेक्निकल अलाइव यूट्यूब चैनल। तो यार, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन शॉर्ट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन से आप बेसिक लेवल की कुकिंग वीडियोस को एडिट कैसे कर सकते हैं। बेसिक लेवल की वीडियो एडिटिंग में शामिल होता है बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना, कोई एक्स्ट्रा पार्ट आपसे गलती से जो है रिकॉर्ड हो गया तो उसे कट एंड क्रॉप करना, वीडियो में कहीं कुछ लिखना हो तो राइटिंग करना, किसी स्पेसिफिक पार्ट को हाईलाइट करना हो, तो ये सब कुछ बेसिक लेवल की वीडियो एडिटिंग में आता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ डिटेल से बताऊंगा कि इन शॉर्ट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन में आप अपनी कुकिंग वीडियोज को बेसिक लेवल की एडिटिंग में प्रोफेशनल तरीके से एडिट कैसे कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट में बेसिक लेवल की एडिटिंग करने का सबसे आसान तरीका जानने के लिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, कहीं से भी वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड नहीं करना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारे आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बिना टाइम जाए के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इन शॉर्ट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन से कुकिंग वीडियोस को बेसिक लेवल की एडिटिंग करने का तरीका आप दोस्तों को बताने के लिए मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। और स्टेप नंबर वन है कि आपने इन शॉर्ट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इस ऐप को ओपन करने के बाद आपने वीडियो कैटेगरी के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने कुकिंग वीडियो जो आपने रिकॉर्ड की हो उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है एंड गुड के निशान पर क्लिक करके इसे ऐड कर देना है। अब वीडियो आपकी एडिटिंग जोन में आ चुकी है। वीडियो को ऐड करने के बाद सबसे पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए वीडियो का फ्रेम साइज। वीडियो का फ्रेम साइज देने के लिए आपने यहाँ पर कैनवास के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप कोई भी फ्रेम में एडिटिंग कर रहे हो उस फ्रेम को आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं 16:9 के यूट्यूब फ्रेम साइज को सिलेक्ट करता हूँ, दो फिंगर से स्वाइप करके इस तरह से छोटा बड़ा कर लेते हैं और पूरी स्क्रीन पर इसे एडजस्ट कर देते हैं एंड देन गुड। उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है कि वीडियो में अगर आपसे गलती से कोई पार्ट गलती से रिकॉर्ड हो गया उसे आप काटना चाहते हैं वीडियो के अंदर से, तो उसे काटने के लिए आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इस हिस्से में आने के बाद मुझसे कोई पार्ट गलती से रिकॉर्ड हो गया उसे मैंने डिलीट करना है। यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, स्प्लिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाना है जहां तक आपका गलत पार्ट रिकॉर्ड हुआ है। वहां पर आने के बाद आपने दोबारा से स्प्लिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो वेस्ट पार्ट होगा उसे आपने सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो वेस्ट पार्ट हो गया डिलीट। उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है कि वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे ऐड करें। वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के लिए आपने यहाँ पर म्यूजिक के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर तीन ऑप्शंस आएंगे। म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के लिए यूज होता है। इफेक्ट्स में आप यहाँ पर साउंड इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर रिकॉर्ड का जो ऑप्शन है यहाँ से आप वॉइस ओवर कर सकते हैं अपनी वीडियो के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो में वॉइस ओवर बहुत ही आसानी से कर पाऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी वीडियो में मेरी वॉइस ओवर हो रही है। तो इस तरह से आपने अपनी वीडियो में वॉइस ओवर करना है। उसके बाद यहाँ पर अगला स्टेप आ जाता है आपके पास बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के लिए। आपने म्यूजिक के ऑप्शन पर क्लिक करना है, माय म्यूजिक में चले जाना है और यहाँ पर आपके पास आपके अपने पर्सनल म्यूजिक आ जाएंगे जिन्हें आप यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। जैसे मैं यूज के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक आ गया। अब उसके लिए बाद आपने क्या करना है, म्यूजिक लेयर को सिलेक्ट करके अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है वॉल्यूम को, राइट। तो इस तरह से आपने बैकग्राउंड म्यूजिक को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अगला स्टेप आ जाता है लिखने का। अब बैकग्राउंड म्यूजिक जो है उसे आपने रिमूव करना है किसी तरीके से, आपको यहाँ पर उसे सिलेक्ट नहीं कर पा रहे तो आपने लेयर के ऑप्शन पे यहाँ पर म्यूजिक जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो आप इजिली इस म्यूजिक लेयर को सिलेक्ट कर पाएंगे, गुड। एंड देन यहाँ पर आपने कुछ लिखना हो अपनी वीडियो में तो आपने यहाँ पर टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ही चैनल का नाम लिख रहा हूँ आपके समझाने के लिए। अब यहाँ पर चैनल का नाम लिखने के बाद आपके पास यहाँ पर जो डैशबोर्ड आपके पास ओपन होता है यहाँ से आप एनिमेशन दे सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, येलो रख लेता हूँ। इसको यहाँ पर आपने आउटलाइन देना है तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास बॉर्डर आ जाएगा, यहाँ पर आप क्रॉस भी कर सकते हैं इसे, तो आप यहाँ पर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एनिमेशन देना हो आपके पास ये इस तरह के एनिमेशन आ जाते हैं तो आप अलाइनमेंट यहाँ पर ऐड करनी हो या आउटलाइन देनी हो, स्पेसिंग देनी हो तो आप यहाँ पर इसे स्पेसिंग भी दे सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे फॉन्ट स्टाइल का साइज भी आ जाता है जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोस को ऐड करके। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं इसे सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद आपने क्या करना है, इस फॉन्ट लेयर को भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, और इसकी फॉन्ट लेयर को आप वो और भी आगे तक लेके जा सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपने इसे वर्क करना है और गुड के निशान पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरी बेसिक लेवल की वीडियो एडिटिंग बनकर तैयार हो चुकी है और यहाँ पर आपने क्या करना है, इसे सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोजेक्ट सेव होने के बाद आपने सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर फ्रेम रेट को 60 FPS रखना है और उसके बाद आपने सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो प्रोजेक्ट है जो आपने एडिट किया होगा वो सेविंग जोन में लग जाएगा। और यही आज के हमारे वीडियो का टॉपिक था जिसमें मैंने आपको बताया कि आप इन शॉर्ट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन से बेसिक लेवल की वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।